सिल्विया, सही कहा था तूने भाई, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। खाना भी खिलाएगा क्या ये? Call me back in, lucky that I'm innocent. ये क्या कर रही है सिल्विया? What are you doing? I'm just adding the card. What is this? It's for extra touch. Oh, for Magu? For Magu, yeah. For our friend baby. तो सिल्विया की जो फ्रेंड थी जिसके लिए हमने यू नो लास्ट एक दो व्लॉग पहले वो जो लंदन में हमने गिफ्ट लिया था वो एक्चुअली आ नहीं पा रही है लंदन, तो उसके डैड यहाँ पे हैं तो उसको वो गिफ्ट दे देंगे। बट आज का व्लॉग ये नहीं है, आज का व्लॉग है जैसे तुम देख रहे हो तुम्हारे भाई के जो बाल हैं, दाढ़ी है बहुत जहरीली तरह से उग गई है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट पोलैंड में अपने बाल और दाढ़ी ट्रिम कराए जाए। और एक्चुअली मैं सालों से आ रहा हूँ पोलैंड बट आई हैव नेवर गॉन टू द बार्बर हेयर। यार बाल सिल्विया एक्चुअली आर लुकिंग नाइस लाइक दिस ओनली, है ना? ये तो मॉडर्न वो कट हो गया है ना वो। Well, very bushy, but I think you need to do something with your beard. It's just out of control. Should I cut or no? मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। Yeah, something to make you a little bit neater. Neater? Hmm. चलो ठीक है। अच्छे लग रहे लेकिन। चलो। Why are you getting annoyed for? Excuse me. Why are you getting annoyed for? Three letters. Okay. Why? तो मैंने क्या अनॉय कर दिया तेरे को? What did I do? There we go. That's the worst. That's what annoys me. That you don't know. You don't understand anything. मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या किया। So what if I did? I don't even know what I've done. Why are you annoyed? Because I asked you for socks. That's why you're annoyed. मैंने socks मांगे थे इससे। Mummy, take him back. चलो भाई पहुंच के वहां से बात करना शुरू करते हैं, बस देखते हैं भाई क्या मेरे नाई से बेटर नाई है ये। सासू माँ तो एकदम नीड फॉर स्पीड खेल रही है यार, भाई गजब गाड़ी चलाती है भाई एकदम शूशां। माँ कसम यार घर भैंस की आंख, हर आदमी यहाँ पे पोलैंड में इतने बड़े बड़े घर बनाता है। और ये देखो यार मतलब इतना सिस्टम आजकल ये मॉडर्न घर का इतना हो गया है ना, मतलब ये इवन फार्म लैंड्स पे भी भाई ऐसे ऐसे मॉडर्न घर बनते हैं। ये देखो भाई साहब जहरीले घर लग रहे हैं यार एकदम। और ये वाला घर देखो, अरे बाप रे बाप क्या ब्यूटीफुल घर है यार। अरे भाई कितो में भाई जो बंदा भाई मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी राइट हैंड ड्राइव किया है भाई, लेफ्ट हैंड ड्राइव पहली बार करोगे ना भाई पागल हो जाओगे। मतलब इतना अजीब लगता है ना भाई, इतना अजीब लगता है, मतलब पहले तो तुम समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि जो डिस्टेंस है यू नो लेफ्ट और राइट वाली इतना मुश्किल होता है ना उसको प्रेडिक्ट करना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैं तेरा दीवाना। ला हाथ तला लेफ्ट वाला यार तेरा ये कैसे रह गया भाई नरबंध है। दिस इज फ्रॉम व्हाट टाइम? राखी? राखी नो No, not from Rocky, from before. From India? No, from India. From last year. Oh, from this mandir we went to? From the mandir, yes. Oh, damn. The one in... South Hall. South Hall. Yeah. Mm. This is the one? अरे भाई ये तो बहुत ही बिजी लग रहा है यार। यार इतने पॉश बार्बर पे जाने की ना मेरी आदत नहीं है सिल्विया, लंदन में भी मैं ऐसी जगह तो नहीं जाता भाई। Actually, it's quite warm today. Yeah. And I'm wearing my pashmina. That's so warm for my pashmina. अरे हर जगह पोलैंड में, यूके में she never wears it. No, because this one is so nice that I'm always worried that I will damage it. So that's why I don't wear it. एक चीज तो यहाँ पे माननी पड़ेगी कि people are so well dressed. मतलब local काम करने के लिए भी लोग इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं यहाँ पे, जो यूके में बिल्कुल नहीं है। यूके में आप नंगे अधनंगे घूमो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो पोलिश बार्बर्स हैं चाहे छोटा हो बड़ा हो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी, आप ऐसे वॉक इन नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट तो भाई ऐसे ही कट गया। Okay to film? It's okay? Yeah. I don't know. I'll leave it to you. Okay. However you want to do it. Okay. But usually I prefer like a fade on the sides. From zero? Yeah, zero and then a bit of fade and then spikes on the top. Okay. How do you like Poland? Oh, it's beautiful. I've been coming here 10 years now. So I think yahan pe bhi aisa hi cut hota hai. You use a trimmer, isn't it, to do the trimming on the sides first and then you know top will be how it's done. How long have you been cutting hair? Long time? 1 year and a half. 1 year and a half? Oh yeah. In Poland is there like a training that you have to go through, like a certificate or
Yeah, I got the certificate here. Oh, okay. This barber shop. Oh, right. Okay. Our boss. Ah, so he trained you. I see. तो भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी नए नए ही हैं तो आई होप कि यू नो अच्छे काटें बट अच्छे काटेंगे कोई और ऑप्शन नहीं है अब तुम्हारे भाई की दाढ़ी बनाई जाएगी भाई इवन यूके में मैंने कभी बाहर से दाढ़ी नहीं बनाई मैं कहा चलो भाई आज खर्चा कर रहे हैं तो पूरा खर्चा ही करते हैं तो सिल्विया सही कहा था तूने भाई इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस पानी भी एकदम परफेक्ट खाना भी खिलाएगा क्या ये ऐसा लग रहा है भाई खाना वाना भी खुद ही खिलाएगा भाई ये अपने हाथों से मतलब यूके में अच्छे बाल काटते हैं नो डाउट बट बहुत ही जैसे क्या बोलूँ फास्ट फूड टाइप सर्विस है वहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी ग्राहक आया गया ख़त्म सस्ते से सस्ता या महंगे से महंगा भी अगर आप कराओगे सर्विस इतनी मतलब गवर्नमेंट टाइप सर्विस नहीं मिलती भाई आपको आई लुक लाइक अ चेंज्ड मैन कितना देखेगी पैसे चार्ज करने पड़ जाएंगे मुझे ना आई हैव टू स्टार्ट चार्जिंग मनी फॉर पीपल टू सी मी कमाल करती है यार समझती नहीं है From full chaos, this is तो ये टोटल जो यू नो सारा जो कट हुआ है हेयर कट और शेव यू नो ट्रिमिंग एंड एवरीथिंग दिस कॉस्टेड हंड्रेड्स लॉटे विच इज़ अराउंड 1800-2000 रुपया मान लो आप तो आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट द सेम प्राइस वॉट वी हैव इन यू नो बिग सैलून्स इन इंडिया एज वेल आजकल यू नो इन इंडिया इवन इन स्मॉलर प्लेसेज दे गॉट द ट्रेनिंग ऑन ट्रिमर्स बिफोर दे वर नॉट यूजिंग ट्रिमर्स तो छोटे जगहों पर भी मतलब सस्ती जगहों पर भी आप ऐसी एक्सपीरियंस ले सकते हो तो नेक्स्ट टाइम अब इंडिया जब जाएंगे तो तुम्हारा भाई कटवाएगा वहाँ से तो देखेंगे फिर कंपेयर करेंगे कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन दिस 10 years तो बट हाँ मज़ा आया यार मज़ा आया द वे ही वॉज कटिंग बहुत ही अच्छा बहुत प्रोफेशनल चलो सासुमा को ढूंढते हैं मॉल में भाई हैवी सरप्राइज जाएगी ये कौन है ये आदमी बदल कैसे गया ये तो दिल्ली से थे नोएडा से था अब जिन दोबरे कैसे बन गया है एक चीज़ तो है पोलैंड की आप यहाँ पे किसी भी मॉल में जाओ या कहीं पे भी जाओगे ना मार्केट प्लेस में यहाँ पे आप देखोगे कि भाई इनकी यू नो मोस्ट शॉप्स जो है यहाँ पे फार्मेसीज इतनी हैं और क्या बोलते हैं स्किन केयर कॉस्मेटिक्स की दुकानें भी भाई भरी पड़ी है मतलब दे लव देयर मेडिकेशन यहाँ पे आजमा का फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं भाई कैसे लगता है अरे चेहरा छुपाया हुआ है अपना फाइन मारो फाइन या यू लाइक इट नाइस लुक यू लाइक इट अप्रूव्ड सेड द बेस्ट सो फार ओह रियली ओह ओह वाओ फाइन ये तो क्योंकि सासू माँ ने मुझे हमेशा यू नो जंगली उसमें देखा है कि बाल बाल हमेशा दाढ़ी बड़ी हुई आज पहली बार नीट लग रहा है तुम्हारा भाई भाई सिल्विया पिरोगी इज आल्सो देयर यू वांट पिरोगी या आई कैन डू भाई हर व्लॉग जो हमारा है अल्टीमेटली बीच में या एंड में खाने से टच हो ही जाता है क्योंकि दिल्ली से थे और नोएडा से है लेकिन हर जगह खाते ही रहते हैं ब्रेड है एक तरफ और दूसरी तरफ हैम और चिकन है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ब्रेड पोलिश ब्रेड और हैम या चिकन का इसको पोलैंड में बोलते हैं कनपका और कनपका मतलब जहर भाई जो टेस्ट आता है ना यूजुअली इसे बस वही ब्रेड के साथ हल्का सा बटर लगा दिया वो भी ना देसी वाला मक्खन और तुम्हारा क्या बोलते हैं हाँ हैम या चिकन ऊपर लगा दिया और ब्रेड तो पोलैंड की यार माँ कसम ये है भाई लैपटॉप जो मैं सोच रहा हूँ लेने का मेरा इतना थका हुआ है ना मेरे कैन यू इमेजिन भाई मैं एडिटिंग करता हूँ मेरे लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड ही दी है मतलब वो इंटेल वाला ग्राफिक्स कार्ड है बताओ है तो अच्छा वो भी लेकिन यार यू नो प्रीमियर प्रो वगैरह के लिए काम नहीं आता भाई ये है असली जहर GeForce RTX 3060 ये होता है भाई तगड़ा वाला ग्राफिक्स कार्ड आई थिंक 3080 भी आता है और आई थिंक फॉर यू नो किसी को अगर प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है अच्छी उसमें तो एटलीस्ट यू नो 3060 RTX तो ले ही लेना महंगे महंगे लैपटॉप भाई दो दो लाख तीन तीन लाख के लैपटॉप है भाई सोचना पड़ता है भाई लेने से पहले दो मेरा भी एक्चुअली जब मैंने लिया था इट वाज अराउंड
1500 pounds, तो 1.5 lakh का मेरा भी था, पर मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं प्रीमियर प्रो और ये सब भी यूज़ करने वाला हूँ। आई थिंक ये व्लॉग ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबा हो ही गया होगा। जिस जिसको भाई आज तुम्हारे भाई का हेयर स्टाइल और फेड अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, क्योंकि अब मुझे ना मतलब ये मेरा एक मिशन सा हो गया भाई, क्योंकि काफ़ी हमारी जो इंडियन पोलिश कनेक्शन फैमिली है, एवरीवन इज सेइंग भैया 1 million हो ही जाए अब, तो मैंने कहा हो जाए तो मतलब कर दो भाई, कर दो कसम, पोलैंड में ना मतलब इज्जत का फालूदा मत करो, कर दो जल्दी जल्दी, दबा दो वो बटन ही तो दबाना है सिर्फ। चलो वेट करता हूँ मैं अभी, लेट्स वेट फॉर देम टू सब्सक्राइब, कर दिया, चलो 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 भाई, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, इट्स आदियस फ्रॉम मेरो एंड सिल्विया, चल भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा, जहरीली सी। Put my feet up in the building, feeling like a when I get high. I ain't looking at the clock, still balling like Brian.